बैक टू माई चैनल कामी सिंह। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे एंड हैप्पी नवरात्रि। आज नवरात्रि का फर्स्ट डे है और पूजा आज के दिन सबके घर में होता है। कलश स्थापन 9 दिन तक पूजा पाठ चलता रहेगा, खुलत कहने का वो। लेकिन हमारे साथ इतना दिक्कत हो गया है ना, हम 2 दिन कहाँ बिजी थे, क्या हुआ क्या बताएं। और उसके वजह से हम सब कुछ सेट नहीं कर पाए। हमने ये 2 दिन टाइम लिया था। यही कहते हैं कि अगर आज का टाइम अगर आप कल पे डालोगे ना तो आपके साथ क्या हो जाएगा आपको खुद नहीं पता, वही वाला हुआ। हमने आज का सोचा कि वो 2 दिन का जो टाइम है हम उसमें कर लेंगे। आंखें भी सूज गई है, कर लेंगे लेकिन कुछ और काम आ गया। काम क्या आया यार, छोड़ो। तो उसी के चक्कर में नहीं हुआ, तभी सब कुछ सेट करते इसमें लाएंगे। क्या बोलते हैं, राज भी हमारी हेल्प करेंगे और इसमें ये बेड उठा के लाएंगे, बिछौना करेंगे, है ना राज भैया? आप हमारी हेल्प करेंगे? बोले बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। इसमें पोछा लगने के बाद फिर इसमें ये सब रखेंगे, फिर ये वाला बिछौना करेंगे। मंदिर सबसे मेन काम है कि हम कलश स्थापन यहाँ पे कैसे करें। तो मंदिर यहाँ से उठा के ले जाएंगे मंदिर वाले रूम में, फिर उसके बाद देखते क्या क्या करते हैं। तब तक मैं नहा के आती हूँ पापा, ठीक है? और डांट मत पड़वाना पापा जी से गड़बड़ करके। तो गए, जैसा कि आप लोगों को पता है पूरा रूम बिखरा हुआ था, पूरा फ्लोर ही बिखरा हुआ था। तो ये सब कुछ ठीक करना था तो उस ठीक करने में लग गए। मम्मी पापा भी आए, वो भी लगे हुए थे, मतलब इसलिए टाइम और भी ज़्यादा वो हो गया और थक गए करते करते। अभी सारा झाड़ू पोछा हुआ, फिर उसके बाद दोबारा हुआ सारा सब कुछ, क्लीनिंग हुई। आपको थोड़ी देर बाद देखने को मिलेगा कि हाँ अच्छे से क्लीनिंग हो गई है। फिर मैं अपने रूम में अपने रूम का चादर जो है उसे चेंज किया, इसे मैंने बिछाया, सब कुछ आज धो धा के ही बिछाना होता है। उसके बाद पतिदेव जी पूजा कर रहे थे, मैं सूट नहीं कर पाई, फिर यहाँ मम्मी का पैर छू रहे थे, वही बस थोड़ा सा सूट हो गया। फिर यहाँ पे मम्मी ने मंदिर सेट करवाया मंदिर वाले रूम में, और फिर मैं नीचे गई, पतिदेव जी को ऑफिस जाना था। सब लोग ऑफिस, जिनको जाना है सब लोग चले गए, बिकॉज पूजा करने में लेट होता है और उनको ऑफिस के लिए लेट हो जाता है। कल भी छुट्टी ले रखे थे सब लोग, इसलिए तो मैंने इनको बनाना शेक दे दिया पीने के लिए। और पता है किस बात का दुख हुआ, उनका लंच मम्मी पैक करके रखी हुई थी और वो सोफ़ा पे रखा हुआ था, और वो लंच जो है वहीं छूट गया। और बहुत देर बाद हमें पता चले कि ओहो उनका लंच जो है वो यहीं छूट गया है। इधर आओ जल्दी जल्दी, पूजा करो। धनी मारते हैं भैया को, भैया को मारते हैं। धनी भैया ने अभी कुछ किया आपके साथ? हाँ ऐसे मारते भैया को, भैया है ना बड़ा है। चलो आओ इधर आओ, धन फिर मार रहे हो, इधर आओ बाबू। नहीं धनी चलो आप, चलो आप इधर आओ, इधर आओ। जय माता दी।
सब कुछ क्लीनिंग करने के बाद बहुत अच्छे से नहीं किया, बस ऊपर झापर ऐसे थोड़ा बहुत कर लिया, क्योंकि अभी मुझे सब कुछ अरेंज अपने हिसाब से करना है कि कहाँ क्या रखना है कैसे रखना है। बस सिर्फ पूजा है इसलिए सब कुछ साफ़ किया गया। टीवी मैंने अभी तक यहाँ पे हैंग कर दिया बिकॉज यहीं पे हैंगिंग था, और इसको रखना है किसी दोनों में से किसी बेडरूम में ही रखूँगी जिसमें बेड है ताकि हम आराम से देख सकें। लेकिन अभी ये टूट जाता कब से इधर उधर पड़ा हुआ था, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर सेट कर दिया। और यहाँ पर ये जो वीडियो है राज भैया बना रहे हैं, मैं उनसे बातें भी कर रही हूँ और कुछ मतलब मजाक हमारा चल रहा था इसलिए मैं हंस रही थी। यहाँ स्टार्ट करते हैं। तो ओके गाइज, अभी हमारा जो सामान है सब बस कहीं कहीं रखाया है, अभी अच्छे से कुछ नहीं हुआ, बस क्लीन 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 हुआ है अभी सब कुछ। हलवाड़ी अभी उधर कर दिया हमने उस साइड, ये धोने वाले कपड़े हैं, नीचे जा रही हूँ। बाकी देखते हैं कैसे इन सबको एडजस्ट कहाँ कैसे करते हैं, चलते हैं अब नीचे। कुछ पूजा भी ठीक हुआ, पूजा भी करना है। ये आ गया हमारा फूल दूब और ये आम का पत्ता, पोलो पोलो बोलते सब। करेगा दूसरा जरूर करेगा वो, है ना। अब वो चढ़िए था बाबू पूजा खाओ, उतरो दोनों उतरो दोनों उतरो दोनों उतरो धनु उतरो, फिर पूजा होगा। हाँ उतरो बेटो, पीन दे रही हूँ। किससे खेलोगे, किससे किससे खेलोगे, यहीं पे खेलो ठीक है, अब नहीं रोना। नवमी का नवरात्रि का जो पूजा है सब कुछ जो करना होता है वो पापा जी ही करते हैं, बिकॉज पापा जी जो पूजा है ना ये बहुत पहले से करते हैं, अपनी शादी से पहले से करते हैं वो। उनकी पूजा और दुर्गा जी में बहुत ज़्यादा आस्था है, हमारे जो कुल देवी है ना वो दुर्गा जी ही हैं। तो पापा जी बहुत अच्छे से शुरू से बहुत ज़्यादा पूजा करते हैं, अपने घर में सबसे ज़्यादा यही पूजा करते थे, तो आज तक वो रीत चली आई। पापा जी ही अब पूजा करते हैं, जो भी हमारा ये वाला नवरात्र हो या अक्टूबर वाला नवरात्र हो, पापा जी ही पूजा करते हैं। मतलब वो जो कुछ वहाँ पर विधि विधान जो करना होता है वो पापा जी करते हैं। यहाँ पे एक एक करके हमें दे रहे थे क्या क्या चढ़ाना है पूजा करने के लिए, तो हम सब ने एक एक करके पूजा किया, फिर उसके बाद आरती हुई। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।
धनुआ को यहाँ पे हम जय जमाने के लिए बुला रहे थे, वो बार बार भाग रहा था, पता है कहाँ पे कैमरे पे जा रहा था कि कैमरा कहाँ है, बड़ा छोटा कर रहा था। मैं उसे डांट रही थी, मैं बार बार ला रही थी, कैमरा ऐसी जगह टिका रखा था ना को कैमरा गिर भी सकता था, तो इसलिए बार बार छू रहा था, तो मैं उसे डांट रही थी। Oh.